संविदा चालक व परिचालक संघर्ष समिति के तत्वाधान में बुधवार को संविदा कर्मियों के वेतन में हो रही कटौती एवं डिपो के मृतक संविदा चालक स्वर्गीय अमरेंद्र गोस्वामी को विभाग द्वारा कोई सहायता राशि न मिलने से नाराज संविदा कर्मियों ने रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर क्षेत्रीय अध्यक्ष ब्रजेश सिंह, सतीश चंद चौबे, संजय श्रीवास्तव, सुजीत शुक्ला, आकाश सिंह, कृपा शंकर, अनिश विश्वकर्मा मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संविदा परिचालक संजय सिंह ने कहा, संविदा का वेतन दो, आवाज दो, संविदा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, संविदा का वेतन दो, संविदा का वेतन दो, अमरेंद्र गोस्वामी को न्याय दो, अमरेंद्र गोस्वामी को न्याय दो, संविदा एकता जिंदाबाद, 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 संविदा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं संजय सिंह, संविदा परिचालक। 300 रुपया प्रत्येक जो कोविड यात्रियों को ले जा रहा है बस रेलवे स्टेशनों से उनको दिया जाएगा। आज तक 1 रुपया पेमेंट नहीं किया गया उन लोगों को। माह अप्रैल का वेतन तमाम 75% लड़कों का अभी तक नहीं दिया गया है इन लोग की गड़बड़ी की वजह से। और अभी हमारे एक अमरेंद्र गोस्वामी जी का चालक थे, वो घोसी में एक्सीडेंट करके एक्सपायर करके जो कोविड यात्रियों को छोड़कर मऊ से आ रहे थे, अभी तक उनके परिवार को चाहे उनके 1 रुपये का कोई विभाग की तरफ से मदद नहीं की गई है। क्या मांग कर रहे हैं? अगर हमारा वेतन नहीं दिया गया, अमरेंद्र गोस्वामी जी जो एक्सपायर कर गए उनको तत्काल जो विभाग से 5 लाख रुपया फंड मिलना नहीं दिया जाता है, तो हम आगामी 2-4 दिनों के बाद पूरा संचालन ठप करने का काम करेंगे। संविदा कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जा रहा है, जो कोरोना योद्धा से लड़ रहा है 300-300 रुपया दिया जाना था, उन पर भी घोटाला किया गया है, 1 रुपया अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। और इन लोग के पूछने के बाद गोल मटोली लोग जवाब देते हैं, कोई स्पष्ट जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग थोड़ा सा मजबूरी है कि कोविड के यात्री बाहर से आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है भूखे प्यासे लोगों को उनको घर पहुँचाया जा रहा है। ऐसे समय में हम किसी प्रकार की बंदी नहीं चाहते हैं, परंतु हम आज इस स्थिति में आ गए हैं कि अपने पेट पर जब बात आ गई है तो मजबूर हमें धरना प्रदर्शन कर, वो भी धरना एक बहुत सीमित दायरा में किया जा रहा है कि कहीं से भी किसी यात्री को परेशानी ना हो, वह जो निकल रहा है अपने घर तक गंतव्य तक पहुँचे।